नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ब्रायन ब्यूकैनन के बारे में। सो एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनकी वेस्ट की साइज सिर्फ 28 इंच की थी और उनकी अपर बॉडी इतनी वाइड थी कि एक परफेक्ट वी टेप पर पुल किया करते थे ब्रायन ब्यूकैनन। मेरे एक रिसेंट सब्सक्राइबर ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था मुझे कि उनको ब्रायन ब्यूकैनन के ऊपर एक वीडियो चाहिए था। सो ऑफकोर्स उनकी भी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और ऑफकोर्स आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो की तरह मैं आज आपको बताऊंगा ब्रायन ब्यूकैनन के बारे में। और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी इनफेमस बॉडी बिल्डर है, काफ़ी लोग ब्रायन ब्यूकैनन के बारे में नहीं जानते। ये लेट 1980s में कम्पीट किया करते थे, लेकिन जिस तरीके से ली हेनी फेमस हुए, एनॉल्ड स्वाज़नेगर फेमस हुए, ल्यू फेरिग्नो फेमस हुए, ब्रायन ब्यूकैनन का नाम आज बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं लिया जाता। काफी लोग ब्रायन ब्यूकैनन कौन है इसके बारे में जानते भी नहीं। सो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा ब्रायन ब्यूकैनन के बारे में। सो पॉसिबली अगर आप ये फोटोज देख रहे हैं तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी स्मॉल वेस्ट थी इस बॉडी बिल्डर की, और वन ऑफ द बेस्ट वी टेपर्स, इफ नॉट द बेस्ट वी टेपर था ब्रायन ब्यूकैनन के पास। सो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन अगर आप प्योर एस्थेटिक्स के ऊपर कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा वी टेपर विथ ए स्मॉल वेस्ट पुल करना कोई आसान जॉब नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है ये। सो अगर आप इनकी वेस्ट की साइज देखना चाहते हैं, जब ये पीक में अपने कम्पीट किया था इन्होंने 1989 में, तब इनकी वेस्ट की साइज थी सिर्फ 28 इंचेस। सो हैंड्स डाउन मैंने आज तक कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं देखा जिसकी इतनी स्मॉल वेस्ट होगी और इतनी वाइड अपर फ्रेम होगी। और इसके ऊपर ब्रायन ब्यूकैनन वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम पोजेस हिट किया करते थे। हम जानते हैं जिस तरीके से फ्रैंक ज़ेन थे, फिर एनॉल्ड स्वाज़नेगर थे, उसी तरीके से ब्रायन ब्यूकैनन भी एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिनका वैक्यूम पोज काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हैं कि लाइक बिग आर्म्स, काफ़ी बड़े चेस्ट और उसी के साथ इतनी स्मॉल वेस्ट, ऊपर से वैक्यूम और इतने प्यारे लैट मसल। सो ये ऑफकोर्स एक क्लासिक फिजिक है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में क्लासिक फिजिक के ऊपर काफ़ी आपको बताया है। सो अगर आपको क्लासिक फिजिक का डेफिनेशन देखना है तो ब्रायन ब्यूकैनन एक परफेक्ट एग्जांपल है क्लासिक फिजिक का। सो ब्रायन ब्यूकैनन लेट 1980s में कम्पीट किया करते थे। ब्रायन ब्यूकैनन ने सिर्फ दो बार मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया है, 1988 और 1989 में। 1988 में इनकी प्लेसिंग आई 7th और 1989 में इनकी प्लेसिंग आई 8th मिस्टर ओलंपिया में। इनके ओवरऑल करियर में 1988 इनके पूरे करियर का सबसे पीक और सबसे प्राइम एरा था। सो उनको 1988 में एक टैग मिला था, वी टेपर फ्रॉम हेल। इसका मतलब आप सोच के देखिए कि इतना प्यारा वी टेपर था, वाइड लैट्स, उसके साथ 28 इंच की इतनी स्मॉल वेस्ट, और ऊपर से 1988 में उनको टैग मिल गया वी टेपर फ्रॉम हेल। एंड ऑफकोर्स मिलना भी चाहिए क्योंकि काफी कम ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जो इतना प्यारा वी टेपर पुल कर सकते हैं। सो अगर मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग की बात करें तो कभी भी ये टॉप 7 के ऊपर प्लेस नहीं हुए, टॉप 5 में भी प्लेस नहीं हुए। सो इसलिए इतने इनफेमस बॉडी बिल्डर है और इसलिए इनका नाम आज बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतना नहीं लिया जाता। सो अगर इनके अगर वीक पॉइंट की बात करें तो इनके वीक पॉइंट था उनके लेग्स, स्पेशली उनके क्वाड्स की मसल। आप देख सकते हैं कि इनकी अपर बॉडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से उनके थिक लैट्स, बिग आर्म्स, काफ़ी अच्छे चेस्ट और ऊपर से वैक्यूम और 28 इंच की वेस्ट, लेकिन इनके लेग्स के मसल इसको बैलेंस नहीं किया करते थे। 1988 और 1989 एक ऐसा एरा था जब ली हेनी कम्पीट कर रहे थे और ली हेनी अपना मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत रहे थे। सो ऑफकोर्स ब्रायन ब्यूकैनन के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन था, ली हेनी को बीट करना लाइक काफ़ी डिफिकल्ट था उस ज़माने में। ली हेनी एक आप कह सकते हैं कि मच बिगर एंड मच बेटर वर्जन ऑफ ब्रायन ब्यूकैनन। सो ब्रायन ब्यूकैनन वर्सेस ली हेनी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, पोज बाय पोज कंपेयर करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में कहने के लिए मैं यही कहूंगा कि ली हेनी अपने प्राइम में खेल रहे थे 1989 में, और ब्रायन ब्यूकैनन की सिर्फ अपर बॉडी इतनी अच्छी थी बट लोअर बॉडी में थोड़े से मार खा गए, इसलिए ली हेनी को वो बीट नहीं कर सके। अगर ब्रायन ब्यूकैनन अपने क्वाड मसल को थोड़ा सा और बड़ा करते और थोड़ी सी डेंसिटी ला लेते तो शायद ब्रायन ब्यूकैनन टॉप 3 या शायद मिस्टर ओलंपिया भी जीत सकते थे, ऐसी फिजिक थी ब्रायन ब्यूकैनन के पास। सो ब्रायन ब्यूकैनन की बॉडी बिल्डिंग करियर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से एक एक्स फ्रेम इल्यूजन होता है बॉडी बिल्डिंग में, याद रखिए दोस्तों साइज से कुछ नहीं होता,
एक इल्यूजन एक ऐसा फैक्टर होता है कि आपको एक इल्यूजन लाना होता है कि आपकी बॉडी सबसे अच्छी है, सबसे बेटर है और सबसे डेंस और कंडीशनड है। सो ब्रायन ब्यूकेनन मास्टर थे इस चीजों के। आप देख सकते हैं कि अगर बाकी बॉडी बिल्डर से कंपेयर करेंगे तो ब्रायन ब्यूकेनन हमेशा कंडीशनिंग में हमेशा एक अच्छी पॉइंट लेके आते थे, और यही काफी जरूरी होता है एक इल्यूजन फैक्टर क्रिएट करने के लिए। सो अगर मिस्टर ओलंपिया और आईएफबीबी की बात करें तो इनको इतना सक्सेस नहीं मिला जैसे 1988 और 1989 में सेवेंथ और एट प्लेस हुए, तो मिस्टर ओलंपिया और आईएफबीबी के शोज में इनको इतना सक्सेस नहीं मिला। लेकिन जो नैबा मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन होता है, जो मिस्टर ओलंपिया और आईएफबीबी का एक रिवेलरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उन्होंने कम्पीट किया था और उसमें उनको काफी अच्छा सक्सेस मिला था। सो ब्रायन ब्यूकेनन ने 1984 का नैबा मिस्टर यूनिवर्स जीता और उसके बाद वो आईएफबीबी के मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, वहां पे एंटर हो गए थे। वहां पे उनको इतनी सफलता नहीं मिली तो इसलिए वापस उन्होंने टर्न बैक किया नैबा मिस्टर यूनिवर्स 1995 और वापस कम बैक करके नैबा मिस्टर यूनिवर्स उन्हें जीत लिया। सो आप देख सकते हैं कि 1984 और 1985 इतना बड़ा गैप होने के बावजूद उन्होंने नैबा मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन जीत लिया था। और नैबा मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन ये कोई आम कॉम्पिटिशन नहीं है, आप लिटरली इसको अर्नोल्ड क्लासिक से कंपेयर कर सकते हैं। उस जमाने में मिस्टर ओलंपिया के बाद अगर बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कोई हुआ करता था तो वो था नैबा मिस्टर यूनिवर्स का कॉम्पिटिशन। लेकिन नैबा मिस्टर यूनिवर्स ये एक आईएफबीबी का रिवाइवरी ऑर्गेनाइजेशन था। सो 1988 में उन्होंने वापस शिफ्ट किया आईएफबीबी के नाइट ऑफ चैंपियंस में, वहां पे उनकी प्लेसिंग आई 13 और 1988 का आईएफबीबी टोरंटो प्रो, वहां पे उनकी प्लेसिंग आई 9th। सो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों कि आईएफबीबी के शोज में इनको इतनी अच्छी प्लेसिंग्स नहीं मिली, लेकिन फिर भी 2-time मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं ब्रायन ब्यूकेनन। सो ऑफकोर्स ऐसी फिजिक आज आपको देखने नहीं मिलेगी, काफी रेयरेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज है कि आपको आज क्लासिक डिवीजन में इस तरह की फिजिक देखने मिलेगी जहां पे सिर्फ 28 इंच की वेस्ट है और इतनी अच्छी अपर बॉडी, उसके साथ वेल बैलेंस्ड लैट, काफी कंडीशन चेस्ट, आर्म्स और शोल्डर के मसल। सो मैं तो काफी इंप्रेस हुआ हूँ ब्रायन ब्यूकेनन से। आपको क्या लगता है ये फिजिक देख के, क्या आपको लगता है कि ये एक प्योर क्लासिक बॉडी बिल्डिंग है या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगा। सो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो ब्रायन ब्यूकेनन के बारे में, उनकी मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको बता दी है, उनके कॉम्पिटिशन आपको बता दिए हैं, प्लस उनका एक एक्सफ्रेम जो था, जो इल्यूजन था क्रिएट किया करते थे, उसके बारे में आपको बता दिया है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसी के साथ नीचे एक सब्सक्राइब का आइकॉन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए और उसके साथ बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि काफी लोग सिर्फ सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक कर रहे हैं लेकिन बेल आइकॉन क्लिक नहीं करते, और उसी की वजह से YouTube आप तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई एम अर्शल मुदिराज, पीस आउट।